जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भरत जी के कितने बच्चे थे और उनके क्या नाम हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, अधिक धन होने से परेशान हुई औरत। आइए कथा श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों द्वारा अपना माल अन्य देशों में भिजवाया करता था। वह जितना ज्यादा धन कमाता था उतना ही वह जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को दान में एक पैसा भी नहीं देती और अपने पति को भी दान देने से मना करती। एक समय की बात है कि वह सेठ एक दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गया। उसके पीछे से भगवान बृहस्पति देव ने साधु का रूप धारण कर उस व्यापारी के घर गए। उन्होंने व्यापारी की पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी ने कहा कि साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ चुकी हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाए, ताकि मैं आराम से अपना बाकी जीवन बिना किसी परेशानी से बिता सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी क्या कभी कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह वृक्ष के नीचे बैठे अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी महाबृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं कुछ बचा सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने
बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसके भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी चना गुड़ लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेकर आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधु के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रोकर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसके पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। जय बृहस्पति देव। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा और उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम। भक्तों।